तो अभी हम लोग देख रहे थे इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल से हमारा मतलब क्या है? तो आप ये कह सकते हो द सिस्टम हैविंग टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज वेरी क्लोज टू ईच अदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ इस फिगर में आप देख रहे हो ए बी, ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को दिखाया गया है जिसमें ए पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज है और बी पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज है। तो दोनों चार्जेज का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन नेचर जो है अलग अलग है, यानी एक माइनस निगेटिव नेचर का है और दूसरा पॉजिटिव नेचर का है। अब देखोगे इसके एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, चूंकि यहाँ O जो है हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिव कंपाउंड है और तो इसलिए ये जो है यानी पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है तो ऑक्सीजन पर हमारा जो है वह निगेटिव चार्ज हो जाता है और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ निगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। अब इससे जुड़ा एक और देखेंगे यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? तो किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी यूज किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, है ना? तो कहोगे द फिजिकल क्वांटिटी यूज्ड टू मेजर स्ट्रेंथ ऑफ ए डाइपोल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। Which is represented by symbol P vector. Measured by product of magnitude of charge and Distance between charges. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है द फिजिकल क्वांटिटी यूज टू मेजर स्ट्रेंथ ऑफ ए डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल पी वेक्टर, और मेजर्ड बाय प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन
टू चार्जेज टू ए दैट इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू पी वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू टू ए वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड अगर कहोगे तो ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड पी इज इक्वल टू हो गया टू क्यू ए मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन हो गया इसका निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, है ना। मैग्नीट्यूड जैसे इसका जहां तक हो गया P वेक्टर का मैग्नीट्यूड यह हो गया 2QA एंड डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अब देखो इस पर एक सवाल की ओर हम बात बढ़े। एग्जाम्पल देखोगे टू चार्जेज टू माइक्रोकुलम एंड माइनस टू माइक्रोकुलम आर एट डिस्टेंस 5 millimeter, then find its electric dipole moment। एक सवाल जैसे ये हो गया हमारा। तो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन में आप देख सकते हो, है ना। सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्लस माइनस क्यू इज इक्वल टू हमारा क्या है 2 microcoulomb और डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस 2L इज इक्वल टू 5 mm, है ना। और P इज इक्वल टू क्वेश्चन ये है। तो अब आप P का वैल्यू निकालने के लिए आपको बतलाया गया था Q इंटू टू ए, है ना। Q का वैल्यू है हमारा 2 microcoulomb, तो ये हो गया 2×10⁻⁶ coulomb और 2A बराबर है 5 millimeter, इसको लिख सकते हो 5×10⁻³ meter। तो ये कहोगे 5×10⁻³, दोनों एसआई में दोनों का ये ले लिया गया है। तो यह इन होल हमारा जो वैल्यू हमारे पास हो जाएगा वह हो गया कितना, तो देखो 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे ये 10 हो गया, उसके बाद हमारे पास 10⁻⁶ है और 10⁻³ है, तो ये 10⁻⁹ हो गया, एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 10⁻⁸। तो आंसर हो गया हमारा, है ना, 10⁻⁸ कूलम्ब मीटर, है ना। चूंकि इसका ऐसा यूनिट होगा हमारा कूलम्ब मीटर, क्योंकि चार्ज के लिए ऐसा यूनिट कूलम्ब होगा और डिस्टेंस के लिए मीटर, तो ये कूलम्ब मीटर हो गया, यही हमारा ये आंसर होगा।
तो अब हम लोग ये देखें इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसके लिए देखोगे फिगर में ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो आप इस फिगर में आप दे सकते हो एक्सियल लाइन का मतलब क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के दोनों चार्जेस से होकर गुजरने वाली लाइन को ही हम क्या कहते हैं एक्सियल लाइन कहते हैं। ये जो तुम्हारा ये लाइन हो गया ये क्या हो गया एक्सियल लाइन हो गया। अच्छा एक्सियल लाइन अब है ए बी हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसके ए पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज है और बी पर प्लस क्यू चार्ज है और इसका डिस्टेंस जो है ए से बी तक का डिस्टेंस 2a है। अब इसके एक्सियल लाइन पर पी कोई पॉइंट है जिसका डाइपोल के मिड पॉइंट ओ से इसका डिस्टेंस क्या है डी है। तो इस पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना है ना। तो अब इसके लिए कहोगे लेट ए बी is a b is a electric dipole having a length 2a है ना। इसका लेंथ कितना है तो ए बी इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके ए पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज और बी पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज है और इन चार्जेज के बीच की दूरी जो है बीच का डिस्टेंस जो है 2a है। सो दैट डाइपोल मोमेंट p इज इक्वल टू हो गया हमारा 2qa। ये डाइपोल मोमेंट हो गया और इसका डायरेक्शन हो गया ए टू बी डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी इसका हो जाएगा। अब देखेंगे पी इज ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल लाइन एट डिस्टेंस डी फ्रॉम मिड पॉइंट ओ है ना। पी जो है एक एक्सियल लाइन पर कोई पॉइंट पी है
जिसका डिस्टेंस इसके मिड पॉइंट ओ से डी है, और यही पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान निकालना है। हेयर फ्रॉम फिगर हेयर फ्रॉम फिगर आप देखोगे बीपी इज इक्वल टू हो जाएगा ओपी माइनस ओबी इज इक्वल टू डी माइनस ए एंड ए पी इज इक्वल टू हो जाएगा ओ पी प्लस ओ ए इज इक्वल टू डी प्लस ए, है ना। चूंकि ओ मिड पॉइंट है इसलिए ओ से ए का डिस्टेंस या ओ से बी का डिस्टेंस ए के बराबर होगा, है ना। तो इसलिए बी पी इज इक्वल टू हो गया ओ पी माइनस ओ बी इज इक्वल टू डी माइनस ए, और ए पी इज इक्वल टू हो गया ओ पी प्लस ओ ए इज इक्वल टू डी प्लस ए। अब देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज ई वन वेक्टर का डायरेक्शन ये हो जाएगा, ई वन वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा के क्यू बी पी के स्क्वायर। ये हो गया हमारा, और ये बराबर हो गया के क्यू डी माइनस ए के स्क्वायर। दैट इज फर्स्ट। अब देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज ई टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ई टू वेक्टर चूंकि यह निगेटिव चार्ज है तो टुवार्ड्स द निगेटिव चार्ज यहां इसका डायरेक्शन हो जाएगा, तो ये हम कह सकते हैं ये ई टू वेक्टर होगा। तो ई टू वेक्टर इक्वल टू हमारा जो होगा के क्यू ए पी के स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू डी प्लस ए के स्क्वायर। इसको इक्वेशन तीन मान लिया, है ना। तो अब देखोगे हेयर मैग्नीट्यूड ऑफ ई वन वेक्टर ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ ई टू वेक्टर। चूंकि ये जो है ई टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा कम होगा और ई वन वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में हमारा जो है डी माइनस ए है और इसके डिनोमिनेटर में डी प्लस ए है। हेंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी
इज इक्वल टू हो जाएगा E1 माइनस E2। चूंकि मैग्नीट्यूड जो है E1 का अधिक है और E2 का मैग्नीट्यूड कम है, और साथ ही साथ दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा दोनों के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के बराबर। तो यह बराबर हो गया, E1 का मान दोगे के क्यू डी माइनस ए के स्क्वायर और माइनस के क्यू डी प्लस ए के स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। अब आप देखोगे यहाँ पर के क्यू कॉमन हो गया, यहाँ आ गया 1 अपॉन d माइनस a के स्क्वायर और यहाँ हो गया 1 अपॉन d प्लस a का स्क्वायर, ये हो गया। अब डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, चूंकि कोई कॉमन नहीं है तो इसलिए हम एलसीएम दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा, इसलिए एलसीएम को कहते हैं डी माइनस ए के स्क्वायर इंटू डी प्लस ए के स्क्वायर। अब इससे डी माइनस ए से डिवाइड करोगे तो ये बच जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा हमारा डी प्लस ए का स्क्वायर, और डी प्लस ए के स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो डी माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा डी माइनस ए का स्क्वायर। अब यह बराबर हो गया हमारा फोर डी ए, एंड हम ये जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। तो उसी के आधार पर हमारा नॉमिनेटर का सॉल्यूशन हो गया 4da, चूंकि ए और ये जो है डिनोमिनेटर में है डी माइनस ए के स्क्वायर इंटू डी प्लस ए के स्क्वायर, हम जानते हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यह बराबर हो गया हमारा, देखो इधर लेके चले जा रहे हैं, तो ये बराबर हो गया हमारा के 4 को लिख दिया 2 है ना के, और ये देखो ये हो गया क्यू, अब 4 को लिख दिया 2 इंटू 2 ए और डी बाई डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी 4 को हम यहां पर किया जो 2 इंटू 2 कर दिया। अब जहां तक देखो ये इतना को हम लिख सकते हैं इक्वेशन 1 से है ना क्यू इंटू 2a बराबर पी, तो ये हो गया के 2pd बाई डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। के का वैल्यू आप पुट अप कर दोगे तो हाँ एक लिख सकते हो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2pd बाई डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये पी पर पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हमारा ये निकल गया। अब देखोगे इफ 2a इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू डी, यानी 2a यानी डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज जो है उसका वैल्यू जो होता है डी के तुलना में इन कंपैरिजन टू डी वेरी स्मॉल है, तो नेगलेक्ट देन
नेग्लेक्टिंग ए स्क्वायर वी हैव ई एक्सियल इज इक्वल टू फ्रॉम फोर ई एक्सियल इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 2π/2 देखो ये हो गया डी का पावर 4, एगो डी से एगो डी कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/4πε0 × 2π/dq तो यही हमारा एक रिजल्ट हो गया ई एक्सियल। अब इस पर बेस्ट जो है एक प्रॉब्लम को हम लोग देखें, है ना। तो देखोगे प्रॉब्लम टू चार्जेज 4 μC एंड -4 μC आर एट डिस्टेंस 5 cm then find electric field at distance 6 cm 8 cm from midpoint of the इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हमारा प्रॉब्लम हो गया कि टू चार्जेज 4 μC एंड -4 μC आर एट डिस्टेंस 5 cm देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस 8 cm मिड पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। ये हमारा प्रॉब्लम है। अब इसको आप कैसे बनाओगे? देखोगे सॉल्यूशन देखोगे चार्ज प्लस माइनस क्यू इज इक्वल टू 4 μC ये चार्ज हो गया जिसको आप कह सकते हो 10 × 10⁻⁶ कूलम। अब कहता है डिस्टेंस डिस्टेंस 2a इज इक्वल टू 5 cm और 2a यानी लेंथ ऑफ डाइपोल 2a। अब है डिस्टेंस
जो आपका दिया है डी इज इक्वल टू ये कह रहा है 8 सेंटीमीटर। अब आपको कह रहा है ई एक्सियल इज इक्वल टू क्वेश्चन। अब यहां पर देखोगे इसके लिए जो फॉर्मूला हमारा होगा वह होगा 1/4πε0 2πd/d²-l²² यही फॉर्मूला यहां यूज होगा। अब देखोगे P इज इक्वल टू हम निकाले हैं तो P इज इक्वल टू q × 2a। Q का मान है 4×10⁻¹⁶ और 2a का मान है 5 सेंटीमीटर तो ये हो गया 5×10⁻²⁪ मीटर। ऐसा ही मिलने की चले गए। अब यह हो गया 5×20⁻¹⁸ बराबर हो गया 2×10⁻¹⁷ है ना, और यूनिट हो जाएगा इसका कुलम्ब मीटर। ये हो गया पी का मान। अब इसमें वैल्यू में डालोगे अगर आप चाहो तो d²-l² का मान भी निकाल लो। d² बराबर हो गया 64 cm² और l a² l कहते हैं यहाँ a, तो a बराबर हो गया हमारा कितना 2.5 a = 5 सेंटीमीटर इसलिए a बराबर होगा 2.5। तो आप कहोगे 2.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बराबर 64 cm² - cm² इसको घटाओगे यहाँ हो गया 13 6 चला जाएगा 7 cm² नाउ ऑन पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन है ना, हेंस ई एक्सियल इज इक्वल टू 1/4πε0 का वैल्यू दे दोगे बाबू ये हो जाएगा 9×10⁹ 2। पी का वैल्यू हम लोग यहाँ निकाले हैं इसको दे देंगे 2×10⁻¹⁷ और डी का जहाँ तक वैल्यू है 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर को लिख सकते हो 8×10⁻²² बाई और d²-l², d²-a² का ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 57.75 का है ना, ये क्या है सेंटीमीटर ना cm² इसको ये कर सकते हो 5.75×10⁻¹⁴ m². अब इसका स्क्वायर करोगे 57.75×10⁻¹⁸ का स्क्वायर। अब इस सारे वैल्यू को लेके सॉल्व कर लेंगे तो ये सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हम लोग देखें 8
टू और नाइन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 2 16 2 32, तो ये हो गया हमारा 32 × 9 × अब यहाँ पर पावर जहाँ तक देखने का बात है 7 और -2 -7 -2 -9 हो गया, ये हमारा क्या होगा कट हो जाएगा पावर इत। तो ये हो गया हमारा 22। अब इसका स्क्वायर करोगे, तो 57.75 का स्क्वायर करते हैं उसी से तो 5 से मल्टीप्लाई किए 5 5 जा 25, 2 हो गया कैरी, 7 5 जा 35, 2 37, 3 कैरी हो गया, फिर ये 35 हो गया, 3 कैरी वाला हो गया तो 38 हो गया, 28 हो गया, ठीक है। 7 से करोगे 7 5 जा 35, 3 52 5 54 5, फिर हमारे पास यही आ जाएगा जो 7 से ही है 5 2 4 0 4, 5 से करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 5 7 8 8 2, सबको 5 2 1 हो गया, 16 1 हो गया कैरी, 2 carry 1 carry 1 carry 1 3। अब देखो इसमें जो है 2.4 पॉइंट के बाद डिसमल हो जाएंगे, ये हो गया हमारे पास। इसको राउंडिंग करके हम लिख सकते हैं 33 1 5 × ऐसे तो ये हो गया 33 1 5.0625 × 10⁻¹⁶ 10⁻¹⁶। अब ये जो है हमारे पास जो है इसको राउंडिंग करके लिखोगे 9 × 18 1 9 × 27 28 इतना बाय 33 1 5 है ना × 10⁻¹⁶। एक इधर दे दोगे, दो दे देते हैं 2880 और ये 3315 × 10⁻¹⁴। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 5 से हमारे पास ये कट जाएंगे 6 6 3, 5 से इसको काटोगे तो 5 5 7 6 0 यानी 5 7 6 0 by 6 6 3 × 10⁻¹⁴। अब इसको डिवाइड करके आप आंसर को निकाल लेंगे, फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा इसका। देखो 5760 इसको डिवाइड करोगे 663 से तो यह हो जाएगा 8 2 24 2 50 5
तिरपन। अब डिसिमल हो जाएगा, अब सिक्स से लगाओगे सात करी करी सिक्स बार में 18 3 यानी कहने का मतलब ये हो गया हमारा 8.69 10^14। आंसर आप कह सकते हो 8.69 10^14, और ये हो गया हमारा कितना, तो इसको यूनिट हो जाएगा इसका न्यूटन कूलम्ब इनवर्स, यही हमारा आंसर हो गया इसका। अब थोड़ा थोड़ा सिंपलर, थोड़ा कंपेरेटिवली सिंपल सवाल से हम लोग जुड़ते हैं, एक इसी से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल हैव डाइपोल मोमेंट फिफ्टीन कूलम्ब मीटर, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर ऑन इट्स एक्सियल लाइन। अब इस सवाल को आप देख सकते हो, ये थोड़ा कंपेरेटिवली इजियर सवाल है। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल एफ डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू 15 कूलम्ब मीटर और फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सियल इज इक्वल टू क्वेश्चन और D इज इक्वल टू जो यहाँ पर है हमारा 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर को आप कह सकते हो 10^-2 मीटर, दैट इज इक्वल टू 10^-1 मीटर। अब इसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वह फॉर्मूला होगा हमारा ई एक्सियल इज इक्वल टू के 2P/dQ। के का मान हो गया 9×10^9, 2 पी का मान है 15 SI में और D का मान है 10^-1 उसका क्यू। तो इसको ये कर दोगे, ये हो जाएगा 270×10^9/10^-3 इज इक्वल टू 270×10^12। इसको लिख सकते हो 2.70×10^2×10^12। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 2.70×10^14।
आंसर आप कह सकते हो 2.70 इंटू 10^14 न्यूटन कूलम्ब इनवर्स, ये हो गया ठीक।